पानी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके यहाँ शिल्पा पाठक और आइए सबसे पहले जानते हैं अब तक के सुर्खियों पर। जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने मिशन 2019 की तैयारी को लेकर की बैठक। सेंट्रल गुदार के नए प्रधान बने गुरमुख सिंह मुख्य ने 2 वोटों से किया विजय हासिल। जमशेदपुर बिस्टू थाना क्षेत्र के टाटा कंपनी परिसर बीते रात एक व्यक्ति की हैवक चपेट में आने से मौत, परिजन जताई हत्या की आशंका। और झारखंड विकास मोर्चा के बूथ स्तरीय बैठक में शामिल हुए केंद्रीय महासचिव अभय सिंह ने दिए कई दिशा निर्देश। और अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन कर मिशन 19 की तैयारी पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। बिस्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कार्यकारिणी कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के अलावा प्रदेश और जिला के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक के माध्यम से मिशन 2019 और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों का विचार विमर्श किया गया। इस स्थान में पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि मिशन 2019 को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा केंद्र सरकार के विरोध कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, मगर पार्टी के नेता आपसी रंजिश के कारण आला कमान के आदेश पर अनुपालन सही ढंग से नहीं कर रहा है। ऐसे में 150 साल पुरानी पार्टी आज पुराना अस्तित्व खो रही है। ऐसे में हम सब पार्टी को मजबूती प्रदान कर मिशन 2019 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेकर सभी विपक्षी दलों को एकजुटता के कारण भारतीय जनता पार्टी के सामने कई चुनौतियों खड़ी कर दी है। केंद्र सरकार के जन विरोधी नीति और झूठे चुनावी जुमले को लेकर हम जनता के बीच आ जाकर अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए प्रधान पद के चुनाव में संगत ने गुरमुख सिंह मुख्य को अपना प्रधान पद चुन लिया है। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच 150 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। पिछले कई महीनों से विवाद के घेरे में रहा सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव आखिरकार जिला प्रशासन की देखरेख में संपन्न हुआ, जहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या पुलिस बल की तैनाती वरीय अधिकारियों के निर्देश पर की गई थी। वहीं चुनावी मैदान में प्रधान पद के उम्मीदवार गुरमुख सिंह मुख्य और हरमिंदर सिंह ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर सभी गुरुद्वारे के प्रधान एवं सिख संगत समिति के सदस्यों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील की थी। मतदान के दिन 150 मतदाताओं अपने अपने मत का प्रयोग कर अपने नए प्रधान का चयन किया। जिला प्रशासन द्वारा सुबह 9 बजे से 2 बजे तक मतदाता मतदान करते रहे, जिसके बाद दोनों प्रत्याशी की मौजूदगी में मतगणना का कार्य किया गया, जिसमें गुरमुख सिंह मुख्य को 76 मत प्राप्त हुए। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार को 74 मत प्राप्त हुए थे।
इसी प्रकार गुरमुख सिंह मुखिया दो मतों से विजय घोषित किए गए। जीत की सूचना मिलते ही उनके समर्थकों के द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई और जश्न मनाया गया। इधर नव निर्वाचित सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुरमुख सिंह मुखिया ने कहा कि यह जीत उनके माता पिता का आशीर्वाद है और परिवार के लोगों का त्याग है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से चुनावी प्रक्रिया को लेकर वे अपने परिवार से काफी दूर रहे, मगर फिर भी उनके परिवार के सदस्यों ने उनका हौसला हर वक्त बढ़ाया है। यह जीत उनके त्याग और बलिदान का परिचय है। जीत के बाद अब वे संगत के साथ मिलजुल कर चुनावी वादों को पूरा कर सम्मान का समाज का विकास करेंगे। दो मतों से मैं जीता हूँ, 76 मत, 76 मत आपको मुझे मिले हैं, 74 74 मत हरमिंदर सिंह हिंदी को मिले, और इस जीत को मैं पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को समर्पित करता हूँ, सिख संगत को समर्पित करता हूँ, अपने स्वर्गीय माता पिता को समर्पित करता हूँ, और मैं अपनी पत्नी और बच्चों को समर्पित करता हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा कभी परेशान नहीं किया। आजकल तो होता है सर, अगर पत्नी को कहीं लेके ना जाए, बच्चों को लेके ना जाए, तो हर घर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाती है, लेकिन मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने और स्वर्गीय माता पिता ने मुझे जितना आगे बढ़ाने में सहयोग किया है, मैं उसके लिए अपने परिवार समेत पूरी कौम को ये जीत समर्पित करता हूँ। जमशेदपुर बिस्टो थाना क्षेत्र के टाटा कंपनी परिसर बीते रात एक व्यक्ति की हाइवा की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्व काई बर्तो के रूप में हुई है, जो सिद्धगढ़ थाना क्षेत्र के बागुनातू का रहने वाला था। वही परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने बताया कि हत्या का आरोप मृतक के ममेरे भाई पर लगाया गया है, जिसको लेकर गुस्साए परिजनों ने हाइवा मालिक सहित दो अन्य को बागुनातू बस्ती में बंधक बना लिया है। साथ ही बस्ती के लोग और परिजन मिलकर घंटों हंगामा करते रहे। मृतक की पत्नी ने बताया कि कल उसका काम में जाने का मन नहीं था। मामा के लड़के ने जबरन काम पर जाने को कहा। वही मृतक के भाई ने बताया कि रात में फोन आया कि उसके साथ कोई लोग मारपीट कर रहे हैं, जिसके बाद फोन कट गया। इधर से फोन किया गया तो पता चला कि उसकी मौत हो गई है। फिलहाल बागुनातू बस्ती के लोगों में आक्रोश है। हाईवे मालिक सहित दो अन्य को लोगों ने घेर लिया है। वैसे मौके पर पुलिस पहुंची और मामला को सुलझाने का प्रयास कर रही है। उधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम भेज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बोला नहीं जाओ, जो बुखार है बोला बाना कर दीजिए, वो तो एक तो उसके मामा का लड़का, वो बोला नहीं जाओ ना, कुछ डर भाई कुछ नहीं है, जाओ तू, तेरा डर है कुछ नहीं, बोला ऐसे बोल के वो भेज दिया। वो बोला नहीं, मेरा का जाने में आज मन नहीं करा, हम बोला बुखार है बोल दो, बाना कर दो, जायज नहीं जाएगा बोल के। तो घटना तो लोग किया ना, एकदम मेरे मामा के लड़के किया। 10:30 बजे के आसपास में उसका फोन आया जी। हमको बोला कि कोई मार रहा है, घेर दिया है, ये कर दिया, कर दिया। हम बोले इसे कैसे हो जाएगा, तो फिर तुरंत फोन काट दिया। फिर काट दिया तो उसका साला एक है राजेंद्र को, तो उसको फोन किया, उससे कुछ बात हुआ। उसके बाद राजेंद्र हमको फोन किया, बोला कि ऐसा ऐसा बात है, जीजा जी फोन कर रहे हैं। तो हम बोला हाँ, हमको भी फोन किया था अभी। तो फिर वहाँ दूसरा एक आदमी को फोन किया गया कि जाके देखिए तो उसका तबीयत तो खराब नहीं हो गया है। फिर वो जैसे ही गया वहाँ देख रहा कि लोडार का नीचे पड़ा हुआ है। वही बात हुआ कि ये कोई मार रहा है, मार रहा है, मार दिया है, कोई मार दिया है, उतना ही सब कुछ बोलते बोलते कांड हो गया। हमको तो जितना हमें देता हुआ है। झारखंड विकास मोर्चा की बूथ स्तरीय बैठक रविवार को आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह मौजूद रहे। सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को यहाँ प्रशिक्षित किया गया। अगले वर्ष लोकसभा तथा झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है, और इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से जोरों शोर से तैयारियों में जुट गई है। झारखंड विकास मोर्चा भी चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करना चाहती है। इसके मद्देनजर बूथ स्तर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। इस दौरान झाविमो केंद्रीय महासचिव अभय सिंह समेत पार्टी के तमाम जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को चुनाव से जुड़े कई अहम टिप्स दिए, साथ ही क्षेत्र में जन समस्याओं पर कार्य करने का दिशा निर्देश भी दिया गया। जमशेदपुर महानगर अंतर्गत पूर्वी विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की आज अहम बैठक है, और यह बैठक हम कह सकते हैं 2019 की चुनाव का बिगुल फूंका जा रहा है। कार्यकर्ताओं से संगठन के विषय में चर्चा हो रही है, बूथ स्तर पर चर्चा हो रही है। आपका मंच मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष और उसके पदाधिकारी के विषय में, संगठन के विषय में चर्चा हो रही है, और हम पूर्वी विधानसभा के बाद प्रत्येक महीने अलग अलग विधानसभा की बैठक होगी, और 2019 में झारखंड विकास मोर्चा का संगठन आपको देखने को मिलेगा, जो एक नंबर संगठन होगा। आज इसका शंखनाद हुआ है। आज यह बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय महासचिव माननीय अभय जी उपस्थित हैं, और कार्यकर्ताओं से एक एक करके हम लोगों ने उसकी
बूथ स्तर पर किस प्रकार की कमेटी है इसका हम लोगों ने ब्यौरा लिया है और संगठन की मजबूत की चिंतन बैठक चल रही है। जमशेदपुर में भाईचारा की मिसाल देखने को मिला। झाका पाली के इस्लाम नगर में एक निजी संस्था ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी में सभी हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों को बैठा कर इफ्तार पार्टी करवाई। आपको बता दें कि यह महीना रमजान का महीना है। इस माह में मुस्लिम समुदाय के लोग दिन भर रोजा रखते हैं और शाम को इफ्तार करते हैं। इस इफ्तार हिंदू मुस्लिम की एकता के तौर पर दिखाई दिया है। संस्था के सभी लोग हिंदू है और मुस्लिम भाइयों को इफ्तार करवाया, जिसे देखकर यह साबित होता है कि आज भी हमारे भारत देश में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता बनी हुई है। आज यहाँ पर घड़ी परिवार की तरफ से रोज़ा अफ्तारी करवाई जा रही है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि समाज के अंदर एक भाईचारा का मैसेज देना चाहते हैं और ये लगभग झारखंड में ऑलमोस्ट सब जगह पर करवाया जा रहा है। तो टाइम टाइम पे कंपनी ये सोसाइटी में मैसेज देती रहती है। पहले हमारा स्वच्छ भारत अभियान के साथ भी हम जुड़े थे, जिसके अंदर हमने टाटा नगर के अंदर एक दो कैंपिंग करी थी। खबरों वक्त छोड़ से ब्रेक का बने रहिए हमारे साथ। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 0657-2438-616, 983-555-1212, 943-111-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के लाइफलाइन माने जाने वाली स्वर्णरेखा नदी में इन दिनों जल कुंभ का अंबार लगा हुआ है। जी हाँ, जिसे देखते हुए युवा जदयू ने एक अनोखी पहल की है। युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्वर्णरेखा नदी खाड़ गए। सभी ने मिलकर नदी में लगे जल कुंभ को हटाया। हालांकि नदी पूरी तरह साफ नहीं हुआ, मगर युवा जदयू ने इस पहल को एक अच्छा पहल जरूर कह सकते हैं। युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे ने कहा कि नदी पूरी तरह गंदा हो चुकी है, जिस कारण शहर में कई बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए यह पहल की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि शहर के सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को नदी साफ सफाई में अपनी भागीदारी निभाने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं न कहीं जिला प्रशासन को नदी गंदा होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वहीं युवा जदयू के जिला अध्यक्ष निर्मल सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण युवा जदयू ने नदी साफ करने की पहल की है। सुना जाए
लाइन है स्वर्णरेखा नदी, उसमें गंदगी का अंबार है और जहाँ तहाँ जलकुंभी उग गई है और जिससे कि तरह तरह की बीमारी जैसे कि मलेरिया डेंगू का खतरा है। तो युवा जदयू के कार्यकर्ताओं ने ये तय किया आज कि नहीं, हम लोग खुद प्रशासन का इंतजार नहीं करेंगे और हम लोग खुद ही अपने से पहल करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। हम लोग आज उतरे हैं और हम लोगों ने यहाँ पे जलकुंभियों को साफ करने का प्रयास किया है। स्वयंसेवी संस्थाएं, बाकी राजनीतिक दल सभी लोग आए ताकि प्रशासन की नींद खुले और इस जलकुंभी को यथाशीघ्र यहाँ से हटाया जाए। हम लोग आज जदयू प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे जी के नेतृत्व में आए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदगी है और इनके नेतृत्व में वही हम लोग निर्णय किए हैं कि हम लोग स्वयं साफ करें। झारखंड ऑफ्थाल्मोलॉजिकल सोसाइटी एवं बिहार सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में मध्यकालीन सम्मेलन का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के साक्षी एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में झारखंड एवं बिहार के कई नेत्र चिकित्सक शामिल हुए। सेमिनार के पहले सत्र में डॉक्टर भारती कश्यप ने मोतियाबिंद ऑपरेशन की जटिलता पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही बाहर से आए नेत्र विशेषज्ञ ने उपस्थित डॉक्टरों को संबोधित करते हुए नेत्र की तरह तरह बीमारी पर चर्चा की गई। सेमिनार के दूसरे सत्र क्रॉस भवन में डॉक्टर ज्ञान भास्कर, डॉक्टर अजय सिन्हा और नितिन जी धीरा ने अपने अपने पेपर प्रस्तुत किए। 7 सूत्रों में यह कार्यक्रम पूरा हुआ। अलग अलग सत्र में नेत्र के अलग अलग जटिल रोगों पर परिचर्चा की गई। फेमटो लेजर ब्लेडलेस मोतियाबिंद सर्जरी परंपरागत फेको सर्जरी से ज़्यादा सुरक्षित है और यह ऐसे मरीजों के लिए विशेष लाभदायक है जो ब्लेड से डरे हुए हैं, ऐसे मरीज जिनका मोतियाबिंद काफ़ी कड़ा हो चुका है, ऐसे मरीज जिनके मोतियाबिंद का प्रेशर बहुत पकने की वजह से बढ़ गया है, मोतियाबिंद पिछली झिल्ली से चिपका हुआ है, ऐसे मरीजों के लिए यह विशेष लाभदायक है। निकट भविष्य में फेमटो लेजर मोतियाबिंद सर्जरी सस्ती होगी और आम मरीजों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। आम से यही है, इसका हम लोगों ने थीम कैटरेक्ट एंड रेटिना रखा है। आँख में बहुत सारी बीमारियां हैं लेकिन दो मुख्य जो बीमारियों का ये है, एक मोतियाबिंद और एक पर्दे की बीमारियों का, तो इन सबों के वजह से समाज में जागरूकता बहुत कम है। और साथ ही साथ ऐसा है कि कुछ जटिल बीमारियां हैं जिनका इलाज अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं या अभी नया नया आया हो, तो उन्हीं सारे जटिल बीमारियों का इलाज कैसे होगा और क्या होगा उस पर नए नए जो अभी खोज हुए हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है। मतलब देश के विभिन्न हिस्सों से ऑप्थल्मोलॉजिस्ट जो है आए हुए हैं, जैसे डॉक्टर मंगत राम डोगरा एंड डॉक्टर कमलजीत सिंह आए हुए हैं जो अपने एक्सपीरियंस हम लोगों से शेयर कर रहे हैं ताकि यहाँ के ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को उन सारी बातों का पता चले, आदान प्रदान हो। और झारखंड विकास मोर्चा कला संस्कृति मंच द्वारा रविवार को निर्मल गेस्ट हाउस में एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में सदस्यों का ज्वाइनिंग पार्टी ने करवाया। साथ ही कई अहम विषयों पर भी चर्चा की गई। मंच के अध्यक्ष आलोक वाजपेयी के नेतृत्व में यह समारोह आयोजित की गई। मुख्य रूप से हर राजनीतिक पार्टी अपने सभी इकाइयों को 2019 के चुनाव से पूर्व मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में यह समारोह के माध्यम से नए सदस्य को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। आज झारखंड विकास मोर्चा कला संस्कृति मंच द्वारा जिला समिति द्वारा बैठक का आयोजन निर्मल गेस्ट हाउस में किया गया था। इस बैठक में झारखंड विकास मोर्चा कला संस्कृति जिला कमेटी का पुनर्गठन किया गया है जिसमें हम लोगों ने कई पदाधिकारी, उपाध्यक्ष और सचिव का घोषणा किए, कुछ कार्य समिति सदस्यों का घोषणा किए हैं। इसके बाद जो बैठक कला संस्कृति मंच का होगा उसमें व्यापक रूप से हम लोग बैठक करेंगे, उसमें पूरा वृहद रूप से कला संस्कृति मंच का कमेटी बनाने का काम करेंगे। आज झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में लगातार जब से झारखंड बना है तब से झारखंड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष करते आया है, यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसके लिए संघर्ष करते हुए आया हुआ है। आज बहुत दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार यहाँ झारखंड अलग होने के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ शासन किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किए हैं और आज झारखंड की क्या दुर्दशा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कह रहे हैं तो झारखंड में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है लेकिन आज देख सकते हैं कि कई जगह ऐसा है जहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना लेकिन डॉक्टर नहीं है। आज MGM का क्या स्थिति है छुपा हुआ नहीं है। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री रहते हैं रघुवर दास जी,
लेकिन आज जमशेदपुर के यहाँ आपराधिक घटना इतना बड़ा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। दिन दहाड़े रोड में सीताराम डेरा एरिया में लोग गर्दन से चैन निकाल के ले जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ की विधि व्यवस्था की क्या स्थिति है। आज खाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक ही काम रह गया है कि वो लोग वादा करते जुमलावादी पार्टी बन के रह गया है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हम लोग झारखंड में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले समय में 2019 का जो चुनाव होगा, झारखंड विकास मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर यहाँ चुनाव लड़ने का काम करेगा और बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। जमशेदपुर सिद्धगुड़ा टाउन हॉल में 2 दिन तक चल रही ऑल इंडिया फेडरेशन एजुकेशन एसोसिएशन की ओर से आयोजित नेशनल सेमिनार का आयोजन समापन हुआ। वहीं आज दूसरे दिन कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आईफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्रज नंदन सरमौर, बिहार माध्यमिक संघ के अध्यक्ष पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, झारखंड प्राथमिक संघ के महासचिव निखिल मंडल समेत कई मुख्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं आईफा के केंद्रीय सचिव सह प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव निखिल मंडल ने कहा कि कार्य समिति में निर्णय लिया गया कि सरकार के द्वारा शिक्षा एवं शिक्षक को अपमानित करने पर सरकार के सभी आदेशों को विरोध किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा बचाओ देश बचाओ के लिए आगामी सांसद सत्र के समय दिल्ली में पूरा देश के शिक्षक धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज का? आज AIFPA का राष्ट्रीय कार्य समिति का बैठक हुआ। बैठक में कई प्रस्ताव पारित हुआ। शिक्षा बचाओ, शिक्षक बचाओ और जो सरकार का शिक्षा और शिक्षक विरोधी नीति है उसका विरोध करेंगे। इसके लिए दिल्ली में एक धरना होगी, उसका तैयारी जुलाई महीने से शुरू होगा और संसद सत्र में के समय पूरा देश का शिक्षक वहां धरना देंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे शिक्षक और शिक्षा विरोधी नीति को बंद करें, अन्यथा शिक्षक सड़क पर उतर। और अब चलने से पहले डालते अब तक की सुर्खियों पर। जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने मिशन 2019 की तैयारी को लेकर की बैठक। सेंट्रल गुदार के नए प्रधान बने गुरमुख सिंह मुख्य ने 2 वोटों से किया विजय हासिल। जमशेदपुर बिस्टुर थाना क्षेत्र के टाटा कंपनी परिसर बीते रात एक व्यक्ति की हैवक चपेट में आने से मौत, परिजन जताई हत्या की आशंका। और झारखंड विकास मोर्चा के बूथ स्तरीय बैठक में शामिल हुए केंद्रीय महासचिव अभय सिंह ने दिए कई दिशा निर्देश। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।